आज आम अष्टम श्रेणी इंग्राजी बहर अली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल अली असंभव को संभव कलार सेक्शन फोर लास्ट पार्ट रो प्रश्न उत्तर बा क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करवा तो पोस्ट रीडिंग अर्थात पढ़ी सारापर विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक जेकोसी जिनस को तुम देख देखला मन भितर रख एवं स्मरण शक्ति बढ़ाओ अर्थात मन पकाओ जो चित्र को देख लो सेंटेन्स गोटे वाक्य को देख लो गोटे वार्ड को देख लो गोटे शब्द को देख लो तुम माइंड भितर मन भितर तार चित्र गोटे इमेज बनई दि बनला तुम्हें मानते मन रखा बहुत इजी हम तो देखिए होल टेक्स्ट अर्थात पूरा विषय वस्तु को देख टेक ए फोटोग्राफ ऑफ़ द होल लेसन इन योर आई कैमेरा तुम आखिरे बहिरे तुम होल लेसन अर्थात पूरा विषय टी फोटो उठाई दियो द लेसन हाज फोर पार्ट लेसन थी चारोटी भाग अच्छे इन ह्विच पार्ट डज अली सॉल्व द प्रॉब्लम क्यों भागटी अली प्रॉब्लम को सॉल्व करते लास्ट पार्टी आम पढ़ी थे तो से लास्ट पार्ट को तुम माइंड भितर रखिदि अली किपर भाव में समाधान असुविधा को समाधान करते जो सब प्रॉब्लम थिला ता समाधान किपर करते से समस्या तो तुम माइंड भितर रखिदि तो ह्विच पार्ट इज अबाउट द सेकेंड विटनेस द्वितीय साक्षी विषय क्यों भाग में वर्णना होता है सेकेंड पार्ट में वर्णना होता तो ताकूम मन भितर रखिदि ह्विच पार्ट इज ऑन द फास्ट विटनेस तो क्यों भागटी प्रथम साक्षी विषय वर्णना कराई फास्ट पार्ट रे तो फास्ट पार्ट को भी तुम्हें माइंड भितर रखिदि ह्विच पार्ट इज ऑन अली आज ए कुक तो क्यों भागटी अली को रोसेया बोली दर्शाई थिला ना थर्ड पार्ट रे तो से सब भाग गुड़ी को फास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अर्थात चारोटी भाग जो चारोटी भाग को पूरा भल भाव मन रखिदि प्रथम भागटी प्रथम साक्षी विषय कहुला द्वितीय भागटी द्वितीय साक्षी विषय कहुला तृतीय भागटी अली जड़े रोसेया बोली से भाग से विषय कहुला एवं लास्ट पार्टी अली किपर सब समस्या समाधान कले सहीटा दर्शाई तो तेणु तुम्हें से गुड़िक भल भाव देख नब लास्ट पार्ट अर्थात शेष भागटी टेक् द फोटोग्राफ अफ द लास्ट पार्ट शेष भागटी फोटो को तुम माइंड भितर रख मन भितर रख लिसन टू योर टीचर तुम शिक्षक जहाँ कहते मन दे शुण एंड पुट योर फिंगर ऑन तुम आंगुठी को ताऊपर रख जपरी फुल एग्रीमेंट पूर्णपूरी भाव में जो सहमति प्रकाश कले से सेंटेन्स रख द फास्ट क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन प्रथम प्रश्न तृतीय प्रश्न द सेकेंड क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न से सब प्रश्न तुम आंगुठी रख तापर देख टू नंबर प्रश्न देला कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी तो विषयगतर तार सब कार्यवल को आम देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस तले तले जो ऑप्शन दिखाई तो से ऑप्शन रु तुम्हें ठीक उत्तर टी बाछी ए शून्य स्थान में पूरण कर प्रथम आई प्रश्न टी देला द मोस्ट इंपोर्टेंट एक नंबर प्रश्न टी देला द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर और पर्सन इन द स्टोरी इज एही गपटी रे मुख्य व्यक्ति जनक किए थिले ए रेला द जज विचारपति थिले बी रे द लॉयर वकील थिले सी रे अली थिले डी रे द विटनेसेस साक्षी माने थिले तो किए थिले मुख्य व्यक्ति ना आंसर हे जीव अली थिले मुख्य व्यक्ति सी रा आंसर तापर देखो दुई नंबर प्रश्न देला द थ्री विटनेसेस एक्सेप्ट अली अली व्यतीत बाकी जो तीन जन साक्षी थे से मैंने एरे देला वे आर प्रेजेंट आट द टाइम ऑफ थेफ्ट जो समय चोरी होता से समय उपस्थित थे हाँ यहाँ ठीक अच्छे बी रे देला वे आर नॉट प्रेजेंट आट द टाइम ऑफ द थेफ्ट तो से मैंने समस्ते उपस्थित नथिले जो समय चोरी होता ना यहाँ भूल कथा कारण तीन जन उपस्थित थे वे आर प्रेजेंट इन द कोर्ट विचारालय अदालत से मैंने तीन जन उपस्थित थे ना शेष जो तृतीय साक्षी जनक सी आसी पार नथिले कोनो से असुविधा थिबारु तथिपई से कोर्ट रे बा अदालत रे से उपस्थित नथिले तेनु तीन जन नथिले दुई जन थिले तेनु या भूल हबो वे आर नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट तो तीन जन जाक केही भी हेले अदालत रे उपस्थित नथिले एहा मध्य भूल हबो कारण दुई जन थिले तेनु आंसर कोन हिजबो ए हिजबो हेरा आंसर वे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट तो चोरी होता समय तीन जन साक्षी उपस्थित थे तीन नंबर प्रश्न देला द फास्ट क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय प्रथम प्रश्नटी उत्तर कौन दिखाई एरे देला द फास्ट विटनेसेस आज नाइट प्रथम साक्षी व्यक्ति कही राति चोरी होता ना से कही तो दिन चोरी होता तेनाली भूल द सेकेंड विटनेस आज डे
द्वितीय साक्षी कही दिन चोरी होता यह भूल कारण द्वितीय साक्षी कही राति चोरी होता ओली आज बोथ डे एंड नाइट ओली कही उभय दिन और राति चोरी होता यह ठीक अटे बोथ द विटनेस आज नाइट उभय साक्षी कही राति चोरी होता ना आंसर सी हम ओली आज बोथ डे एंड नाइट ओली कही उभय दिन और राति चोरी होता। 4 नंबर प्रश्न है द सेकेंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय द्वितीय प्रश्नटी उत्तर दि जाइला जे एरे देला सेकेंड विटनेस आज 5 द्वितीय साक्षी कही पांच जन उपस्थित थे जो चोरी होता भूल उत्तर कहना 25 जन थे द्वितीय साक्षी कही फास्ट विटनेस आज 25 प्रथम साक्षी कही 25 जन उपस्थित थे जो समय चोरी होता यह भूल कहना सी कही पांच जन थे ओली आज 5 एंड 25 ओली कही पांच जन एवं 25 जन उभय उपस्थित थे जो समय चोरी होता यह ठीक हम ए आंसर टी ठीक हम द सेकेंड विटनेस आज 5 एंड 25 द्वितीय साक्षी कही पांच जन एवं 25 जन जो समय चोरी होता उपस्थित थे ना यह भूल हम तेणु आंसर कौन हो सी होर आंसर। 5 नंबर प्रश्न दे थर्ड क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय तृतीय प्रश्नटर उत्तर ए द फास्ट विटनेस आज ब्लाक प्रथम साक्षी कही ब्लाक पर्स रंग ब्लाक कला थिला प्रथम साक्षी कही ठीक अटे प्रथम साक्षी पर्स टी रंग कला थिला बोली कही बी ओली आज ब्लाक ओली कही पर्स रंग कला थिला यह भूल अटे कारण से कही उभय कला एवं धड़ा थिला द सेकेंड विटनेस आज ब्लाक एंड व्हाइट द्वितीय साक्षी कही पर्स रंग कला एवं धड़ा थिला यह भूल अटे कारण द्वितीय साक्षी कही धड़ा थिला बोथ विटनेस आज व्हाइट उभय साक्षी कही पर्स रंग धड़ा थिला यह भूल अटे तेना आंसर कौन होर आंसर ताप देख 6 नंबर प्रश्न देला द जज नोडेड हिज हेड एट द एंड सोइंग शेष जितेबाद से कहू मैंने कथाटी कहीदे अली तो जज कौन कले विचारपति कौन कले मुंडटी को हलई तो कौन पर हलई हाफ एग्रीमेंट अधा राजी हो से हलई ना नो एग्रीमेंट जमा भी कथा रे तांको कथा रे सहमति प्रकाश कर नथिले अर्थ राजी होइ नथिले एहा भी मध्य भूल फुल एग्रीमेंट पूर्ण सहमति सहित मुंड हलाइथिले एहा ठीक अटे इन डिफरेंस त डिफरेंट करथिले ना तेन आंसर कोन हिजबो सी फुल एग्रीमेंट सहित से तांको नोडेड करथिले तांको हेड अर्थ से मुंड हलाई सहमति प्रदान करथिले ताफरे देखो हमें डबल आई प्रश्न देखिबा मैच द पैराग्राफ अंडर ए with the content theme under B, write the number of A in bracket of B. तो A तले दिया जाइथवा जो अनुच्छेद गुड़िक सहित B तले जो कंटेंट दिया जाइछि तो थीम दिया जाइछि जो विषय वस्तु दिया जाइछि ताकु तमे जोग कर आ राइट द नंबर A इन ब्राकेट्स ऑफ B. तो B रे किछि बंधन दिया जाइछि तो A रो केउ नंबर टी केउ बंधनी रे बसिबो बा केउ सेंटेंस सहित तार मैच करिबो ताकु तमे लेखिबो जेपरि देलो ए रे देखो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 दियाइछि तो तार विषयवस्तु दियाइछि बी रे कारण कंटेंट्स दियाइछि अर्थात तार विषयवस्तु तो 1 पैराग्राफ रे कोन हेथिला से विषयवस्तु दियाइछि 2 रे कोन हेथिला 3 रे कोन हेथिला 4 रे कोन हेथिला तो तमे एटाकु ठीक जगह रे से पैराग्राफ उडी को बसेबो जेपरि ओली अफर्ड टू बी विटनेस तो ओली को मैंने विटनेस साक्षी हिसाब से ऑफर कराई क्यों पाराग्राफ रे कराई थिला थर्ड पाराग्राफ रे कराई थिला तेने या 3 लिखिबो द सेकंड विटनेस द्वितीय साक्षी को विषय रे क्यों पाराग्राफ रे कराई थिला सेकंड पाराग्राफ रे तेने 2 लिखिबो ओली कन्विंस्ड द जज ओली विचारपति को कन्विंस करथिला तो तां कथा को मनौथिले तां कथा कहिकिना तां कथा को रखुथिले युक्तियुक्त करथिले क्यों पाराग्राफ रे ना शेष पाराग्राफ लास्ट पाराग्राफ स्टीलिंग ऑफ द पर्स एंड द ट्रायल तो पर्स टी चोरी होता तापर से व्यक्ति को नहीं जेरा करा जाइथिला एहा केउ भाग रे हिथिला एहा 1 भाग रे होइथिला एपुर हब तमे जॉइन कर परे 1, 2, 3, 4 तापर हमें देखिबा सेक्शन 5 सेक्शन 5 रे देला लिसनिंग योर टीचर विल रीड सम ऑफ द वर्ड तम शिक्षक किछि शब्द पढिबे फ्रेजेस अलाउड बा खंड वाक्य किछि पढिबे टिक दोज व्हिच योर टीचर रीड अलाउड तो तम शिक्षक जे शब्द गुडी को खंड वाक्य गुडी को बड़ पाटे पढिबे तमे ताकु सुनो बा मन दे सुनो तेपरि पर्स हैला कोन ना जे थरे में मुणा बा जे थरे में पैसा रखंती कोर्ट हैला अदालत विटनेस साक्षी पोस्टपोन स्थगित विटनेस बॉक्स काठगड़ा अपसेट मन दुख करिबा असंतुष्ट हेबा ग्रम्बल्ड
असंतोष प्रकाश करिबा इन फुल एग्रीमेंट और पूर्ण सहमति रे अनयूजुअल अस्वाभाविक भावे तो बी रे देला ए शब्द गुडी को तुम माने पढ़ माने शुणब तुम शिख जो कहे से शब्द गुडी को मन रख मन भितर दे शुणी बी रे देला योर टीचर विल रीड अलाउड पाराग्राफ्स तुम शिक्षक ये पाराग्राफ बाय अनुच्छेद टी बड़ पाटे पढ़े यू लिसन टू हिम हर एंड फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें मन देखि शुणब एवं जो फांका स्थान अच्छी खाली स्थान अच्छी एगुड़िक पूरण कर तो बर्तमान चल आम खाली स्थान गुड़िक पूरण करवा द डैश एग्रीड एंड द डैश डे ऑली वाज डैश टू द विटनेस बॉक्स तो द लॉयर एग्री वकिल जनक राजी हो गले एंड द नेक्स्ट डे तो पर दिन ऑली वाज कॉल्ड अर्थात डकगला टू द विटनेस बॉक्स काठगड़ा को डकगला तापर द डैश आस्ड व्वेन वाज द डैश कमिटेड तो जज अर्थ जज आस्ड किए पचारे विचारपति पचारे व्वेन वाज द थेफ्ट कमिटेड जो समय चोरी होता से समय विचारपति पचारे के समय चोरी होता व्वेन वाज द थेफ्ट कमिटेड अर्थ के समय चोरी होता घटनाटी विचारपति पचारे तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स रे जज ये थेफ्ट नाइट ऑली रिप्लाइड यू डैश इट ए डे यू मे कॉल इट ए डे योर ऑनर यू मे डैश इट ए नाइट यू मे अल्सो कॉल इट ए नाइट तेनाली तार अर्थ कौन ना इट वाज डे और नाइट यह दिन थिला ना राति थिला तो जज महाशय पचारे तो डे जगह फांका स्थान थिला तुम डे लिख डैश रिप्लाइड किए कही अली कही यू मे कॉल इट ए डे योर ऑनर महाशय आपन यहाँ दिन कहीपर यू मे अल्सो कॉल इट ए नाइट आपन राति भी कहीपर तो ये फांका स्थान डे लिख एटी अली लिख एटी मे अच्छी एटी अल्सो कॉल अच्छी तो यह आम परवर्ती प्रश्नटी देखा स्पीकिंग अर्थ कह चेन ड्रिल श्रृंखला चेन श्रृंखला मैंने श्रृंखला सहित मैंने गोटे शब्द को तुम्हें कहपर तुम सांग कह जबकि गोटे सेन्टेन्स गोटे वाक्य को तुम्हें कह तुम सांग कह सांग कह मैंने श्रृंखला चेन हिसाब से जीव जपरिक धर फास्ट फास्ट सांग तुम्हें कहल तुम पाखे थोड़ा तुम सांग कहलापर सांग कहला यहपरी भाव में तुम श्रेणी समस्त पिला कह पर्यंत तुम्हें कहत आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल तुम्हें कहल तुम सांग कहला यहपर भाव में चेन ड्रिल भाव में करर्थ गोटे श्रृंखला चेन जपरी थाए से भाव में कड़ मैंने कड़ी सहित कड़ी जपर जॉन्ट होता है से भाव में ए सेन्टेन्स को तुम्हें तुम सांग सांग यहपर भाव में कही चलो यू मे कॉल इट ए डे और नाइट सार आपण यहाँ दिन कहींपर राति कहींपर सार तो सार आपण यहाँ दिन कहींपर राति कहींपर यह तुम्हें कह से डायलॉग रिहर्सल टीचर वर्सेस स्टूडेंट शिक्षक कहे स्टूडेंट्स तुम्हें छात्र मैंने कहे छात्री मैंने कहींपर स्टूडेंट्स वर्सेस स्टूडेंट तुम्हें छात्र छात्री मान भर कहींपर तुम्हें कह तुम सांग कह यह भाव में कहींपर जपर जड़े जज हम आज जे विटनेस हम आज जे जज आज जे विटनेस हम यहपर भाव में से जो सेन्टेन्स वाक्य कहते से वाक्यगुड़ी कहपर जज कही व्वेन वाज द थेफ्ट कमिटेड व्वाज इट डे और नाइट तुम्हें कहल तुम सांग कहे विटनेस हिसाब से इट वाज डे योर ऑनर से तुम्हें कह जज हिसाब से कह हाउ मेनी पर्सन वेयर दे आर तुम सांग विटनेस हिसाब से कहे फाइव योर ऑनर तुम्हें जज हिसाब से कह व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स तुम सांग विटनेस हिसाब से कहे ब्लैक माय लॉर्ड तो यहपर भाव में तुम्हें रिहर्सल कर देख सी रे दे इफ ए वर्ड दे आर इज ई डबल ओ ई ए This part of the word is usually pronounced with a long sound taking more time. तो एमती किसी शब्द अच्छी इफ ए वर्ड जो गोटे शब्द ता भितर आई थी डबल ई थी पारे डबल ओ थी पारे किंबा ई ए जदि थी साधारण भाव में से ही शब्दटर उच्चारण बहुत लंबा लंबा होता है एवं उच्च स्वर में से शब्दी को कहवापाई प्रोनाउनसीएसन अर्थ शब्दी को कहवापाई बहुत समय लगी थाए प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड तो तले किसी से हीपरी शब्द दिखाई जो शब्दर मझे आई अच्छी डबल ई अच्छी डबल ओ अच्छी ईए अच्छी तुम्हें ताको उच्चारण करके पढ़ अर्थ प्रोनाउंस्ड करके पढ़ जपरी थीफ तो ये कौन अच्छी आई अच्छी तेनाली आम किपर पढ़ा थीफ तो आई टा टे उच्चारण जोर है अधिक समय मध्य नेला थीफ सेपरी नीड कान डबल ई अच्छी नीड सेपरी एग्री डबल ई अच्छी एग्री तो मीटिंग
ଏହିପରି ମିଟିଂ ତେଣୁ ଡବଲ ଇ ଅଛି ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଜୋରରେ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏପରି ସିମ୍ କାରଣ ଡବଲ ଇ ଅଛି ଏପରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଏ ଅଛି ତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେକ୍ସନ୍ ସି ଦେଖିବା ଭୋକାବୁଲାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପେଲିଂ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା ମାନେ ବନାନ ତ ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରିକି ତ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିବା ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେଲିଂ ଇଜ୍ ଟୁ ସି ଏ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଗେ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ କଭର୍ ଇଟ୍ ତାକୁ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଭେରିଫାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖ ଆଗେ ଦେଖିଲ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଦେଖିଲ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲ ସି କଲ ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବ ହାତରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ କଭର୍ କରିଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏସ୍ ଟି ଇ ଏଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେଖିଲ ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ଡୁ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ କର ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତୁମେ ସ୍ପେଲିଂ ବା ବନାନକୁ ଶିଖିପାରିବ ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କାହାକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଭର୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଲେଫ୍ଟ ପ୍ଲମ୍ ତୁମ ବାମ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଥାର୍ଡ଼ ରାଇଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କର ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଲେଖ ଫାଇନାଲି ଭେରିଫାଏ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଇଫ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିନିଅ ଏପରି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚୋରି କରିବା ତ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଲେଖିବ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବି ଲେଖିପାରିବ ସେହିପରି ଲୟର୍ ଲୟର୍ ଏହିପରି ଲେଖିବ ହେଲା ଲୟର୍ ହେଲା ଓକିଲ ସେହିପରି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା ଜେରା କରିବା ଏହିପରି ଲେଖିବ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗେ ଦେଖିବ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ତାପରେ ଦେଖିବ ତା ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ କଲର୍ ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ଜଜ୍ ଏଗ୍ରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖ ୟୁଜେସ୍ ରିଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଲି ସେଡ୍ ଅଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖ ସାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ କୁକିଂ ୟୁ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କୁକ୍ ଦ ଜଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କିଏ କହିଥିଲେ ଅଲି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ଏହା କହିଥିଲେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏରର୍ ଡିଡ୍ ଅଲି ମେକ୍ ହର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ ହିଅର୍ ସରି ହ୍ୱାଟ୍ ଏରର୍ ଡିଡ୍ ଅଲି ମେକ୍ ହିଅର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଇଂଲିଶ ତ ତାଙ୍କ ଇଂରାଜୀ କହିବାରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ହେଲା ତ ଭୁଲ୍ କେଉଁଠି ହେଲା ଏରର୍ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କରେକ୍ଟ ହିଜ୍ ଇଂଲିଶ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ଇଂଲିଶକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରପିଂ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଫର୍ ଆଫ୍ଟର୍ କୁକିଂ ତ କୁକିଂ ପରେ ସେ ଏଠି ଫର୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ତ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ କନେକ୍ଟ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଦେଖ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ହେଲା ଆଟ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ଫର୍ ବଟ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଅର୍ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତ ବାକ୍ୟରେ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବ ନା ଦେଖ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହଉ ବା ପ୍ଲେସ୍ ହଉ ବା ପର୍ସନ୍ ହଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ନାଁ ଥାଉ ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗସ୍ର ନାଁ ଥାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ ଥାଉ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଥାଉ ଯେପରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ର ନାମ ଥାଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ନାମ ଥାଉ ହରି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଦ୍ୟାମ ଗୋପାଳ ଡକ୍ଟର ଲୟର୍ ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଥାଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେପରି ଫୋନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ଚେୟାର ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା ତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ନାଉନ୍ର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯିଏ ବସେ ଯେପରି ଧର ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ବଏ ରାମ ଇଜ୍ ଏ ବଏ ରାମ ଇଜ୍ ଇଟିଂ ରାମ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି କହିବା ତ ରାମ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ବସେଇପାରିବା ହି ସି ବସେଇପାରିବା ସେହିପରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବସେଇବା ଥିଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଆମେ ଇଟ୍ ବସେଇପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ବଦଳରେ ବି ଆମେ ଇଟ୍ ବସେଇପାରିବା ତ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ବଦଳରେ ନାଉନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ତା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତା ପ୍ଲେସ୍
प्लेस रे जो गोटे वार्ड लिखा जाए ताको में प्रोनाउन कहिबा तो सेटा नाउन को बुझाए तो गोटे सेंटेंस जते बेले गोटे नाउन आ गोटे प्रोनाउन थिबो ता सहित अनादर वार्ड को जे जॉइंट करेबा जे कनेक्ट करे ताको में प्रेपोजिशन बोली कहिबा जे परी तर माने कर गोटे सेंटेंस हला गोटे गोटे टेबल तले गोटे बिलई अछि ता में कोन कहिबा ए कैट इज अंडर द टेबल आमे एंदी कहिबेरबा तो जदि अंडर नथिबो आमे जदि आमे एमति कहि परबा ए कैट इज ऑन द टेबल गोटे बिलेटे गोटे टेबल उपर बसची तदि ऑन नथिबो द कैट इज टेबल त किछ बुझै लागि किछ ता से त कनेक्ट हे पालानी त ऑन थिला बोली कनेक्ट हेला ताको में कोन कहिबा प्रेपोजिशन बोली कहि परबा तापरे देखो एठी देला जे त प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन जदि आमे न लगेबा ताले सेंटेंस टी गोटे अलगा मीनिंग हे जिवो आमे कहिबा पई गोटे कथा चाहुंथबा किंतु से सेंटेंस रा अर्थ अलगा आसिबो एठी जेपरी हला कुक हला जे ओली जेपरी से गोटे कथा कहिबा पई चाहुंथले किंतु तांकर इंग्रजी रे मिस्टेक पई से सेंटेंस टी गोटे अलगा अर्थ बाहर कला त जेपरी कहला देखो से कहिबा पई चाहुंथले जे मु आपन को 10 वर्ष हला रोसी करची माने आपन को पई फर अर्थ पई त मु आपन को पई 10 वर्ष ला रोसे करची जदि पई ही उठि जीव ताले कोन हबो मु आपन को 10 वर्ष रोसे करची त ता मीनिंग ता अलग आसिला किंतु से कहिबा पई चाहुथले मु आपन को पई 10 वर्ष रोसे करची किंतु से सेंटेंस रो मीनिंग आसी गला जे मु आपन को 10 वर्ष रोसे करची त प्रेपोजिशन ए परि काम करे जे तमे कहिबा गोटे कथा चाहुथबो किंतु ता अलग अर्थ आसे जदि से ता त मीनिंग ता तमे सेंटेंस ता ठीक हबो ताले तमे प्रेपोजिशन लगेबो तो एठी देला सी हाउ द मीनिंग बिकम सो डिफरेंट इन द एब्सेंस ऑफ द सिंपल प्रेपोजिशन फॉर तो देखो एठी गोटे सिंपल माने प्रेपोजिशन गोटे अवय प्रेपोजिशन को आम ओडिया रे अवय बोली कहिबा तो गोटे अवय फॉर अर्थ पई देखो कि परी वाक्य टी गोटे अलग अर्थ बाहर करची सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग प्रेपोजिशन इन योर राइटिंग तनु तमको बहुत ध्यान सहित तमको जे तमे जा लेखु छ तम त लेखा को तमे ध्यान सहित ध्यान सहित तुम प्रेपोजिशन को यूज कर जहाँफल कि सेंटेन्स टी बहुत ब्यूटीफुल हम अर्थ बहुत सुंदर हम तो मीनिंग टी बहुत भल आस प्रेपोजिशन आक्ट एज गम टू जॉइन वर्ड इन सेंटेंस तो प्रिपोजिशन अठा भली काम करे गोटे गोटे सेंटेंस अठा गोटे वाक्य से अठा भली काम करे गोटे वार्ड को जॉइंट करिया पई दुईटी वार्ड को से जॉइंट करिया पई अठा भली काम करे कि ना प्रिपोजिशन तापर देख सेक्शन 7 सेक्शन 7 रे देला राइटिंग अर्थ लिखिबा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तळे दिया थिवा प्रश्न गुडीकर उत्तर दियो तो ए गुडी को आमे वर्तमान आलोचना करिनेबा सेसन 7 सोपान 7 राइटिंग हला लिखन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तळे जेथा प्रश्न उडीकर उत्तर दियो आइ रे देला हु आर देयर इन द स्टोरी तो एही गल्प रे के अछंती आंसर हबो देयर आर मेनी पर्सन्स लाइक ए थीफ द पर्सन हुज पर्स वाज स्टोलन इज जज द पुलिस थ्री विटनेसेस ए लॉयर एंड हिज कुक ऑली इन द स्टोरी तो एही गल्प रे बहुत लोक थिले जेपरी एक चोर थिला एक पर्स चोरी होइथवा व्यक्ति विचारपति पुलिस तीन जन साक्षी वकील एवं तांकर रोसिया ऑली उपस्थित थिले डबल आई रे प्रश्न दिला व्हाट डिड द थेफ स्टील चोर कौन चोरी कला थीफ स्टील तो चोर कौन चोरी कला आंसर हम द थीफ हर स्टोलेन ए पर्स चोर एक पर्स चोरी कला ट्रिपल आई रे देला व्हेयर डिड द पुलिस सेंड द थीफ चोर को पुलिस केउठा को पठेला आंसर हम द पुलिस सेंड द थीफ टू द टू जेल पुलिस चोर को जेल को पठेला आई भी रे प्रश्न देला हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द जज आस्क विचारपति केतोटी प्रश्न पचारिले आंसर हम द जज आस्क्ड 3 क्वेश्चंस विचारपति तीनोटी प्रश्न पचारिथिले भीर देला हु इज इंटेलिजेंट इन द स्टोरी तो एही गल्प रे किए बुद्धिमान आंसर हम ऑली इज इंटेलिजेंट इन द स्टोरी एही गल्प रे ऑली बुद्धिमान तापर देख एही प्रश्नटी आमे वर्तमान बही रे प्रश्नटी को देखिनेबा तो देख बही रे देला ए प्रश्नटी लेट कीप ए रेकॉर्ड ऑफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द फॉर्मेट गिवन बिलो तो कोर्ट रे अर्थ अदालत रे जेपरी जेरा करा जाए जेपरी जज प्रश्न पचारंती तापर प्रथम विटनेस बा प्रथम साक्षी कौन कहते द्वितीय साक्षी से प्रश्न आंसर कौन देते तो ऑली से प्रश्न आंसर कौन देते तो जज केतोटी प्रश्न पचारे तीनोटी प्रश्न पचारे तो से तीनोटी प्रश्नर
माने प्रथम साक्षी द्वितीय साक्षी तृतीय साक्षी अल्ली जाइथिले तृतीय साक्षी हिसाब से अल्ली जाइथिले तो से माने तार उत्तर रे कौन देले तो वर्तमान आमको एक बॉक्स दिया जे से बॉक्स रे हमें लिखिबा तो यू मे कंसल्ट योर लेसन फॉर गेटिंग द फैट यू नीड टू फिल इट तो तुमको विषय को पढ़ी ए जो डैश बॉक्स दिया जे से बॉक्स उड को फिल अप करिवो सम सपोर्ट इज गिवन तुमको किछि हिंट्स दिया जे पर सपोर्ट दिया जे जेपर एठी क्वेश्चन एठी देखो 1 2 3 तीनटी क्वेश्चन अछि ए सेकंड क्वेश्चन दे दिया जे तो बाकी उड को तुम्हें फिलअप कर तो वर्तमान आम युड़ को देखने वा देख क्वेश्चन बाय द जज जज कौन पचार ना व्वेन व्वाज द थेफ्ट कमिटेड तो के समय चोरी होता तो रिप्लाय बाय द फास्ट विटनेस कहते इट व्वाज डे माइ लर्ड यह दिन था तो जो प्रश्न जज पचार व्वाज इट डे और नाइट यह दिन था ना राति तो प्रथम साक्षी कही दिन था महाशय तो द्वितीय साक्षी कही रिप्लाइड बाय विटनेस टू द्वितीय साक्षी कही इट व्वाज नाइट योर अनर महाशय यह राति तो अली यार उत्तर देते रिप्लाय बाय अली यू मे कॉल इट ए डे योर ऑनर यू मे अल्सो कॉल इट नाइट आपण यहाँ को दिन एवं राति कही पारे महाशय तो द्वितीय प्रश्नटी जज पचार हाउ मेनी पर्सन वेयर दे आर आट द टाइम ऑफ थेफ्ट जो समय चोरी होता से ही समय केतज उपस्थित थे प्रथम साक्षी उत्तर देते रिप्लाय बाय रिप्लाइड बाय फास्ट विटनेस फाइव योर ऑनर पांच जन महाशय द्वितीय साक्षी कही 25 माइ लॉर्ड 25 जन महाशय अली कही सार यू कैन से 5 और 25 तो आपण यहाँ को पांच जन कि 25 जन कहीपर तृतीय प्रश्नटी जज पचार व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स पर्स टी रंग कौन थी प्रथम साक्षी उत्तर देते ब्लैक योर ऑनर महाशय कला रंग थिला व्हाइट योर ऑनर महाशय धला रंग थिला यू कैन इट ब्लैक एंड यू कैन अल्सो कॉल इट व्हाइट तो द्वितीय साक्षी कही धला रंग थिला तो अली कही यू कैन कॉल इट ब्लैक एंड यू कैन अल्सो कॉल इट व्हाइट यू माय लॉर्ड महाशय आपण यहाँ को कला रंग कहीपरिवे आपण यहाँ को धला रंग भी कहीपरिवे तो यहीपर भाव में अदालत जेरा होता पचरा उचरा होता तो आम यहाँ को बॉक्स यहीपर भाव में लिखर प्रश्नटी है आठ नंबर प्रश्न देला मेंटल टॉक अर्थात मन मन चिंता करो यू मे कॉल इट व्हाइट यू मे कॉल इट ब्लैक ब्लैक माय लॉर्ड महाशय आपण यहाँ को कला कहीपरिवे धला कहीपरिवे आपण यहाँ को मन मन चिंता करो से कौन पे कहले नौ नंबर प्रश्न देला लेट्स थिंक तो आर यू एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपुल इंटेलिजेंट सॉरी आर ओनली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपुल इंटेलिजेंट तो केवल शिक्षित एवं जो माने गोटे उच्च पदवी में रही केवल बुद्धिमान अन्य कहीं चल आम चिंता करवा तो वर्तमान आम युईट प्रश्नर उत्तर आम देखने तो प्रथम देख आर्ट्रे मेंटल टॉक अर्थात मानसिक कथोपकथन यू मे कॉल इट व्हाइट यू मे कॉल इट ब्लैक माय लॉर्ड आपण यही पर्स रंग धला बोली कहीपरिवे आपण यही पर्स रंग कला कहीपरिवे आंसर है देख यू मे कॉल इट व्हाइट यू मे कॉल इट ब्लैक माय लॉर्ड इज ए वेरी क्लेवर स्टेटमेंट ऑफ अली तो अली यह बहुत चतुरतार से कही बाक् चतुरी से यही कथा कही महाशय आपण यहाँ धड़ा कहीपरिवे आपण यही पर्स रंग कलापर तो द फास्ट एंड द सेकेंड विटनेस सेड व्हाट दे हाड सीन इन देयर आईज तो प्रथम साक्षी एवं द्वितीय साक्षी से माने तांका निज आखिरे जहाँ देखी थे जहाँ से माने सही समय घटना घटी देखी थे से माने सही कथा कही थे बट इंटेलिजेंट अली कुड सेंस और रियलाइज देयर डिफरेंस एंड ट्राय टू मिनिमाइज इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल व्हिच द जज विल बिलीव द्वित जज विल बिलीव तो उभय साक्षी कथा को कथार किसी तालमेल नु अली जापार तेणु से दुईंर कथा को मिसाई एपरी भाव में कह चेष्टा करपरी विचारपति कथा को विश्वास करे हि न्यू द इनर साइड अफ द पर्स इज व्हाइट एंड द आउटर साइड इज ब्लैक तो अली जाते पर्स टीर भितर रंग धला था एवं बाहर पाख कला था When he showed the both side of the judge, both side to the judge, he was convinced and nodded his head in agreement. तो जेतेबेले अली पर्स दुई पाखर रंग कला एवं धला थिला बोली विचारपति को देखाइले तो विचारपति सम्मति जणाई मुंड हलाइथिले नौ नंबर प्रश्न देला जे लेट्स थिंक आस भाबिबा
तो ये कौन देखा या पूर्वर देख अली कौन कले चतुरतार चतुरता सहित से दुईटी कथा को एपरि भाव में मिसाई जहाँफल कि विचारपति से कथाटा को मानिया को बाध्य कारण ता सत थी तेनाली सत कथा को सी बहुत चतुर सहित उभय कथा किसी मैच हो ना मिशु नाला तो उभय कथा को सी चतुरतार सहित सी कौन कले दुईटा कथा को एपरि भाव में मिसाईदे जपर भाव कि विचारपति कथा राजी हो मुंड हल्ते तो यहाँ थी चतुरपण तापर देख नौ नंबर प्रश्न देला लेट्स थिंक आस भाविबा आर ओनली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपुल इंटेलिजेंट तो केवल शिक्षित एवं उच्च स्तर लोक मैंने कौन केवल बुद्धिमान कि आंसर हम आर ओनली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड पीपुल इंटेलिजेंट केवल शिक्षित एवं उच्च स्तर लोक मैंने बुद्धिमान कि तेणु इज ए भेरी गुड क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट सुड थिंक अबाउट तो यह एक भल प्रश्न तो जहाँकि पाने भाविबा उचित इनफैक्ट इंटेलिजेंस हाथ नथिंग टू डू विथ एजुकेशन वास्तव में बुद्धि शिक्षार बुद्धि सहित शिक्षार कौन संपर्क नहीं ऑल एजुकेटेड पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट समस्त शिक्षित लोक बुद्धिमान इट इज एन एबिलिटी टू थिंक इन ए लॉजिकल वे एंड अंडरस्टैंड थिंग्स तो गोटे कथा को बुझी तो से कथा को भल भाव चिंता करवा तार जुक्तिजुक्त भाव चिंता करी तार मैं चिंता करार कौशल हूँ बुद्धि तक आम से कौशल को आम बुद्धिबदी कह तो गोटे जिनस को भल भाव देखा तो से कथार किपर गोटे समाधान बाहरी पार तो से कथा को चिंता करवा हूँ गोटे गोटे बुद्धि परिचय जड़े बुद्धिमान व्यक्ति ही केवल से कथा को चिंता कर उच्च शिक्षित किंवा से तार शिक्षित शिक्षागत योग्यता थी दरकार नुहे कारण यहपर भाव में बहुत उदाहरण अच्छी जो मैंने कि शिक्षित न थी बुद्धि परिचय देखते आज भी आम पूजा करूँ से आमपाई नमनीय देख क्या कथा कह एपर्ट्स मे बी अनएजुकेटेड बट हाज एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एक व्यक्ति अशिक्षित हो पारे सत किंतु से समस्या को समाधान करिवार योग्यता ता पाखरे थाए किंग अकबर वाज इलिटरेट बट पोजेस्ड इंटेलिजेंस पोजेस्ड है गोटे अधीन करवा दखल करवा तो अकबर से इलिटरेट अर्थ अशिक्षित थिले शिक्षागत योग्यता नथिला से पढ़ी नथिले किंतु आज आम मानने मानने अकबर मैंने से कौन योद्धा अकबर बोली आम योद्धा अकबर ए पर्सन मे बी अनएजुकेटेड बट हाज एबिलिटी सॉल्व द प्रॉब्लम एक व्यक्ति अशिक्षित हो पारे सत किंतु समस्या को समाधान करिवार योग्यता ता पाखरे अछि तो किंग अकबर वाज इलिटरेट बट पोजेस्ड इंटेलिजेंस पोजेस है दखल करवा तो राजा अकबर से अशिक्षित थिले किंतु बुद्धि से गोटे से सम्राट थिले बा से राज्य दखल करते जहाँ को आम आज इतिहास पढ़ुंट सम्राट अकबर विषय तो सी तो जन सम्राट थिले तो सी जदि अशिक्षित थिले तले सम्राट होगापी हुए तो योग्यता नाला तेल से किपर सम्राट थिले पुणी बहुत भल सम्राट थिले जहाँ को कि आम आज कथा इतिहास स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध अच्छी जहाँ को आम आज इतिहास पढ़ुचु जदि से शिक्षित नथिले ताले से किपर राजा हेले ताले जने राजा हेबा पे कौन शिक्षागत योग्यता जरूरी कि जरूरी नथिला कारण तांका पाखरे इंटेलिजेंस थिला से बहुत बुद्धिमान थिले राज्य को किपर भाव में भल भाव चले हेबो से कथा से जानिथिले सिमिलरली बीरबल वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट हैड क्लेवरनेस से भाव में बीरबल उच्च शिक्षित नथिले सत किंतु विचक्षण बुद्धिर अधिकारी से थिले जहाँफल कि आज भी आम मन पकाउ एवं इतिहास रे तांको नाम मध्य स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध होई रही छि ही कुड सॉल्व एंड सेटल द प्रॉब्लम इजिली से बहुत सहजरे एवं बहुत सुविधा रे से सब समस्यार समाधान करी तार उपाय बाहर करथुले देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ मैन हु आर इंटेलिजेंट बट नॉट एजुकेटेड तो एठारे बहुत लोकंकर उदाहरण अछि जांकर बुद्धि अछि किंतु से शिक्षित नहंती तेणु आम कही पारिबानी जे जे मानकर जो माने उच्च शिक्षित से मानकर ही केवल बुद्धि अछि जे माने उच्च शिक्षित नहंती से मानकर बुद्धि नै एपरि भाविबा बा एपरि आमरे मनरे एपरि भावना रखिबाई एटाला भूल
तेणु तुम समस्त तुम सामान नजर देख जे शिक्षित नुहति भी जोपरी भाव तुम व्यवहार कर पाखे हूँ तो तुमठू अधिक बुद्धि थपे जो मैंने अशिक्षित तो से आम जोपर व्यवहार देवा जन शिक्षित व्यक्ति आम जमी व्यवहार देखापर भाव में आम अशिक्षित व्यक्ति कोई व्यवहार देखा कारण इंटेलीजेन्स समस्त पाखे थाए तो यह अली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल रा क्वेश्चन आंसर सब क्वेश्चन आंसर को हमें आलोचना कले यापर आम परवर्ती वीडियो को परवर्ती वीडियो रे अन्य एक विषय को आलोचना करिबा।